हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज है 27 जनवरी और मैं इस टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, मेहमान नहीं, मेरे घर से आ रहे हैं, मेरे ससुराल से, मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड। वंशु को तो आप जानते ही होंगे, वो भी मेरे साथ में आया था लेकिन वो कानपुर अपनी मम्मी के पास चला गया था। दीदी और वंशु कानपुर से आ रहे हैं क्योंकि वंशु को वापस बलरामपुर जाना है, तो मैंने सोचा आपके साथ में कुछ शेयर कर दूं। लखनऊ से वो निकल चुके हैं, मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड। एक घंटा लग जाएगा लखनऊ से आते समय। मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में क्या बना रही हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। खोया पनीर, जीरा राइस, सूखी सब्जी रहेगी, गाजर और मटर की पूड़ी रहेगी जो मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे बनाया था, वही रहेगा, बस सूखी सब्जी मैंने और ऐड कर दी है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, मैं जल्दी से डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए किचन में। रेडी है बिल्कुल। और उधर मैंने गाजर और मटर की सब्जी जो है चढ़ाई हुई है, तो वो भी सॉफ्ट हो गई है, बस थोड़ा सा उसे कलहाड़ना है। बाकी अभी मुझे आटा गूंथना है पूड़ी के लिए, तो मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ पूड़ी के लिए, क्योंकि पहले से गूंथ के रख दीजिए तो पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट और अच्छी सी बनती हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ। ये देखिए आटा मैंने गूंथ दिया है, अब थोड़ी देर तक फिर ढक के रख दूंगी। आटा मैंने गूंथ दिया है और मैंने ढक के उसको रख दिया है। सब्जी भी खोया पनीर जो है वो भी बन गया है वो, और ये सब्जी बस हो गई है, थोड़ा सा कलहाड़ना है। बस जीरा राइस और पूरी मैं साथ में बनाऊंगी, अभी तक आए नहीं वो लोग, और मेरा डिनर जो है बन गया है। मैं रूम पे आ गई हूँ। पापा मम्मी आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पापा मम्मी आ रहे हैं लखनऊ में, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है उनका, पापा और मम्मी दोनों का, उन्हें वहाँ पे दिखाना है डॉक्टर को। इस समय इधर जो है कोहरा बहुत ज्यादा है यूपी साइड, बलरामपुर और लखनऊ। कल तो बहुत ज्यादा कोहरा था 26 जनवरी वाले दिन। उन्होंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में नहीं निकलेंगे, दोपहर में निकलेंगे, ताकि वो सीधा उन्नाव आएंगे और फिर कल मॉर्निंग में फिर वो निकल जाएंगे लखनऊ के लिए, डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर उधर से वो बलरामपुर चले जाएंगे। वंशु दीदी जो है आ रही हैं, अभी वो भी नहीं पहुंचे हैं, बोला था दीदी ने कि आ जाएंगे, आए नहीं, बस इंतजार कर रहे हैं। लग रहा है दोनों लोग साथ में ही आएंगे, उधर से वो कानपुर से और हस्बैंड और मम्मी पापा लखनऊ से, तो बस उन्हीं का इंतजार है। मम्मी सोनल भैया छत पे हैं, पापा अभी आए नहीं हैं दुकान से, कोई आया है मैं देख के आती हूँ। पापा आए हैं अभी दुकान से, शायद मैं बलरामपुर ना जाऊं, मैंने आपको मकर संक्रांति वाले व्लॉग में बताया था कि मैं जाने वाली हूँ, शायद ना जाऊं क्योंकि सोनल की तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं ना जाऊं। जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, मैंने इसमें धनिया लास्ट में ऐड कर दिया है और गैस ऑफ कर देंगे, तो ये बनकर तैयार हो गई है, इसे ढक देती हूँ मैं।
गए हैं। ये देखिए बंसी आ गए हैं, दोनों लोग मैंने आपसे बोला था ना दोनों साथ में आएंगे, एक लोग उधर से एक लोग इधर से। वंशु जा रहे हैं बलरामपुर है। वंशु वंशु फोन करना और अच्छे से पढ़ाई करना, हम आ जाएंगे जल्दी से, आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। चलिए मैं सबके लिए पूरियां बना लेती हूँ। चावल बन गया है, जीरा राइस पूरी की तैयारी हो रही है, देखिए। और कढ़ाई चली हुई है। डिनर करा दिया है, सब लोग आगे वाले रूम में हैं और हम लोग यहाँ पे खाने जा रहे हैं। भैया हम लोग यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, ये देखिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल कंटिन्यू मैंने व्लॉग नहीं रखा, रात में काफी लेट हो गया था, सब लोग बैठे थे, बात हो रही थी, मैंने व्लॉग उसके आगे बनाया नहीं। और ये देखिए सोनल अपने टॉयज रख रही है। अभी बज रहे हैं कितना, 1:30 बज रहे हैं। अभी हस्बैंड का फोन आया था लखनऊ से, वो भी वहां से निकल चुके हैं बलरामपुर के लिए। मम्मी और पापा को दोनों को ही दिखा दिया उन्होंने, वो भी वहां से निकल चुके हैं बलरामपुर के लिए। दीदी भी चली गई हैं, भैया भी उन्हें छोड़ के आए हैं। अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच मेरे यहाँ पे सुबह ही जो नाश्ता बनता है, मम्मी और पापा, पापा दुकान पे, मम्मी ऑफिस, तो वो लंच लेके जाते हैं, तो मेरे यहाँ पे खाना सुबह ही बन जाता है। लेकिन अभी दोपहर में सोच रही हूँ कुछ बना लूँ, नमकीन चावल बनाने जा रही हूँ। हमारे घर में मतलब हफ्ते में 1 से 2 बार तो ये बनता ही बनता है, तो बस वही बनाने जा रही हूँ। सबको बहुत ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि खाना ना बनाना पड़े तो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुबह ही हमारे यहाँ पे खाना बन जाता है, बस अभी वो खाने का मन है तो फिर बस वही जा रहे हैं बनाने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। बन गई है सिंपल से, गर्मा गर्म इसमें धनिया ऐड कर देंगे। सुबह मैंने ये आलू मटर की सब्जी बनाई थी, हम लोग खाएंगे इसे भी। और ये खोया पनीर थोड़ी सी बची हुई थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, आप भी कर लीजिए। लंच हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ कुछ मीठा खाने, वो है ये मक्खन मलाई, मेरा फेवरेट, इसे मक्खन मलाई बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, ठंडियों में बनता है ये अधिकतर। और ये पापा संडे को लेके आए थे लेकिन उन्होंने फ्रिज में रख दिया था, वो लेके आए, वो भी भूल गए थे बताना। आज पापा ने देखा फ्रिज खोलकर, बताया उन्होंने कि लेके आए थे, भूल गए थे बताना। तो कोई बात नहीं, चलिए अभी हम लोग खाते हैं ये। ठंडियों में फ्रिज बहुत कम इस्तेमाल होता है, सिर्फ मलाई स्टोर करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल अभी होता है हमारे घर में, बाकी सब कुछ बाहर ही रखा जाता है, इसलिए सब पापा के ध्यान से उतर गया। लंच हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं मक्खन मलाई खाने। और मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय।
आपका क्या लगेगा?